हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज मैं आपके सामने कुछ डिफरेंट लाने वाली हूँ। हम गांव गए थे तो चाची जी के यहाँ, तो उनके यहाँ एक पेड़ दिखा मैं, तिमले का। वैसे तो आप सभी लोग जानते होंगे तिमले का पेड़ होता है और सब पके हुए तिमले ही खाते हैं, लेकिन आप लोगों को पता नहीं होगा कच्चे तिमले की भी सब्जी बनती है। तो हम गए और चाची जी को बोला मैंने कि तिमले तोड़ो, तो ये देखिए चाची जी तिमले तोड़ रही हैं। हमारे लिए रिक्वेस्ट करके मैंने उनसे बोला, क्योंकि मुझे इसकी सब्जी बहुत पसंद है। और ये देखिए कितने सारे तिमले लगे हुए हैं, पूरा पेड़ फुल भरा हुआ है। तो उन्होंने पेड़ पे चढ़े हो और उन्होंने तिमले तोड़े। गिरना मत आप। आप नहीं खाते इसकी सब्जी? बनाई नहीं, ये अपन खाते कभी नहीं बनाई, कभी नहीं चाके नहीं लगे। सच्ची सच्ची कहने वाली, वो खाने तो आप लोगों हम नहीं को अचार डालने हैं। और ये है तिमले का पेड़, इसकी हम सब्जी बनाएंगे। ये देखिए इसकी सब्जी बनाएंगे। आज बनाएंगे हम तिमले की। हमने उबाल दिए हैं और इसको अब हम छौंकेंगे। आज क्या बनाने लगे? तिमला। अच्छा, तिमला की सब्जी। इकड़े दरेल में ना, हाँ अभी हम तेल धो ना, जो पहले क्या करी, कौन कौन करी? पहले तिमला ले आयो, अब काटे नहीं। अच्छा, छोटे तिमला को मतलब उबालने के, बड़ा बड़ा छोटे छोटे छोटे, बड़ा नहीं होना, बड़ा बहुत खराब होना। छोटे छोटे तिमला तिमला नहीं, हाँ तभी काटे निचोड़ने पड़ता नहीं। अच्छा, ज्यादा पकौने की कम अधपक रखनी? डाल दो तेल, कड़ेले पर तेल डालो। तेल पड़ी अब वो नमक मिर्च मसाला, जखे के तड़को ज्यादा छुलो ना, जखे तड़को नहीं मत, बहुत बढ़िया बस। अचार ही बन दो, इसको अचार बन दो, बहुत ही बढ़िया टेस्टी। अच्छा, ये पड़ी मसाले, ये गरम मसाला है। सीजन कब रही होंदी को, मतलब कब रही? सीजन डाल को अप्रैल का महीना। अच्छा, ये मतलब बैसाख। बैसाख मुझे बहुत बढ़िया। ये हल्दी। अच्छा, थोड़ी की नमक। और क्या क्या फायदा है इसका? ये का फायदा बहुत निरोगी चीज है ना, हाँ। कोई तकलीफ नहीं होने, गैस वगैरह सब मतलब स्वास्थ्य बहुत ठीक रहेंगे आप। अच्छा, पहले ये नहीं खाते थे पुराने में? पहले मतलब पहले के लोग खूब खाते, पहले ये खाना तभी निरोगी बने। अब तो सब भूल गई, अब तो भूल गए ना, अब तो लोग बता गोभी सब्जी चाहिए, हां और बंद गोभी वान चाहिए ना, बाजार अच्छी है, कबाड़ को खा यार। पहले के लोगों ने तो खाए, हां तब तो लोग ठीक है, मैंने कई ब्लेड पर हम तो हम तो गेवा तो बड़ो थान जवाब बट बुझ थान जवाब तो बड़ो थान, हां और बाबा छछर बड़ो था, छछर में ना छछर बड़ो था, ये हां बस कई ब्लेड पर से नहीं होता ना। अच्छा, कैसे बहुत स्वाद लगा छछर, पर ज्यादा लोगों ने पता भी नहीं के बारे में, हैं नहीं पता, सिर्फ मैं ये पता, मैं पता मेरे को पता है, पर गांव वाला खाना नहीं कहते ना। अरे गांव वाला अब का नहीं खाना, पहले कम छक्की खाता, पहले खाता, अब जवा को ये नु स्वाद लग तो जवा तो ना, फिर जवा जल्दी छचर सुन ले, छचर पता खा लो, हां तो यही बात बोलते जवा राम, मैं जवा बोलती चिद्दी दो रहा नानू, अब ये कबाड़ा ढूंढ ले जाना, चुप रहा मैं मुड़ा नहीं उठा, कबाड़ा जाना ढूंढ ले, ये के डाली जके डाल में ना, ये मसालो ये जोन बाड़े नमक मिर्च हल्दी ये हम डाले, ये पड़ गई, ये पड़ गई, अच्छा क्या रे साबा, हां तो वो सुखी नहीं, स्वीट नहीं, एकदम ये देखा, ये देखा,
बहुत लोगों ने बोला की हम खाई नहीं बोलियो बहुत कम लोग अब लोगों ने मतलब वैल्यू नहीं ना ये चीजों की तो खान था ना और जवाब तो खान था ना कौनी तलड़ ले था खानी बनन तोलडा का तोलडा तलड़ उस और मुंड नहीं पण कौनी तब करतला ढोक दो मैं और कौनी इतने लमले बाल कौनी को बनते और मुंड बनन और मुंड हां नहीं खाया पर जीव लोगन मतलब गांव छोड़या ली ना तो याद कर दे इन चीजों ने हां कर दे वाला अब इन चीज मिल दी नहीं जो हम अब बहुत लोगों ने तो पता भी नहीं पता भी नहीं कि बोली क्या चीज थोड़ा हल्का सी ढक्कन दे थोड़ा ये इसमें जरा अंदर ये पहुंच जाओ ना नमक मिर्च के लिए थोड़ा ये पहना पहले उबाल हाँ। तभी थोड़ा निचोड़ी पसंद पड़ी पानी फैल फल फेंकना पड़ोगे थोड़ा ये ठंडा करो तब ये काटा तब इसमें ज्यादा नहीं पकाऊंगी ज्यादा पकड़ी कुछ की और मतलब क्या क्या सब्जी खा सकता मतलब कोमा गेंटी तल बेबर जन मतलब साग सब्जी निराली तब क्या क्या खाई सकता हां जन आजकल मौसम ना गुड़िया हां गुड़िया बेटे कचना होगा है ना अच्छा बेटू बोले बड़ी कितनी देर पकाने पत्तों से तो खींचो अच्छा कितनी देर पकाने आजकल मतलब अप्रैल में मौसम अप्रैल का मौसम कितनी देर पकाने थोड़ी देर पकाने पर जो हमारा भी अचकाली का मतलब ना लोग त्यों भी सीखियो चाहे बहुत कोशिश मेरी बुआरी नहीं सुन रही मेरी बुआरी बहुत रोज खाई सकती हूँ रोज गोभी गोभी खाए बंद गोभी खाए परेशान हुई और वो मम्मी एक तो अपना चला पता कम कर डाल तो छक्की लगी हूं डाल पर मतलब छक्की छक्की कर और मतलब अचार भी डाल सकता हां मैं ले आणो ना अचार डाले में तब बताऊं तुम लोग सुन मैं अचार डाले के बताऊं हां सब अचार दे देना एक डब्बा हां ट्रेनिंग में ठीक है ये पर जरूर तब हम अचार को वहां भी डाल लो ना वीडियो कण कण पड़ जा डाल ना अचार मामला दीदी बताओ हां तुम मकर वहीं वीडियो बनाना देना सन भूख लगी यार खुशहाल से जीव ये गढ़वाला लोग हम तो शहर में हम तो फिर भी हम बीच बीच में कोशिश करते हैं कि हम भी मतलब कोशिश करो मैं मिलूं हां जाओ हम यूज करूंगा है ना ये घुमा फिर बात यूं लोगों में बोलना चाहते हो शहर की अपनी खेती की का अगर तुम विचार करो मम्मा मेरे जितना में हमारा जान और फिर ये तो कख भी मिल जाना ना मतलब जैसे जंगल में ना पहाड़ों में कख भी मिल जाना है ज्यादा मिल तो गंगाड़ी इलाका में अच्छा जानो कम है क्या जानो कम है शिमला ना हमारे को खोल दो सब्जी तो तैयार हो गई है और देखने में तो बहुत अच्छी लग रही है और शिवानी से पूछते हैं कैसी लग रही है कैसी लग रही शिवानी शिवानी ने पहली बार खाई है ये सब्जी जी शिवानी अब देखो टेस्ट कर रही है और खुश हो रही है मुझे लग रहा है कुछ गड़बड़ है देखते हैं क्या कहती है ये बहुत स्वादिष्ट है पर थोड़ी सी कच्ची सी लग रही है हाँ। क्या पता ये ऐसी बनती हो हमने हाँ। पहली बार खाई है हाँ। पर ये बहुत स्वादिष्ट है स्वादिष्ट लग रही है जी और हम इसे दोबारा खाना पसंद करेंगे ओके वही दूसरे लोटे में पानी ला दी और ये मेरे देवर जी आशु तुम्हें ये कैसी सब्जी लगी कैसी लग रही है कैसा टेस्ट हो रहा है इसका बहुत पसंद आ रही है मुझे लगता था मैंने आज पहली बार इसे टेस्ट कर रहा हूँ लेकिन फिर भी
पहली बार टेस्ट करी है। अच्छा कुछ मिक्सचर लग रहा है ये मशरूम और और क्या होता है मशरूम की तरह ये मिक्स लग रहा है देखने में आप देख सकते हैं कि बिल्कुल मशरूम की तरह है जो कि काफी लाजवाब है और इसमें आप जैसे हमारी भाभी ने इसमें जख्खे का तड़का लगाया उससे इसका स्वाद और ज्यादा बढ़ चुका है। ओके इमली की सब्जी कैसी लगी भैया आपको? टेस्टी भू ने बनाया भाई तो टेस्टी होगा। हाँ दोस्तों जिस तरह से लोगों ने सबने हमारे घर वालों ने ट्राई किया खाया इसको पसंद किया तो मुझे लग रहा है आप लोगों को भी ट्राई करना चाहिए और एक बार ज़रूर खाना चाहिए क्योंकि तिमले की सब्जी के अपने फ़ायदे भी हैं स्वास्थ्यवर्धक है और इसको वॉच करने के लिए थैंक यू वेरी मच और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा लाइक भी कीजिएगा और सब लोगों को बताइएगा भी कि तिमले की सब्जी और आप भी ट्राई कीजिएगा। थैंक यू बहुत अच्छे लग रहे बट्टी का। ओके धन्यवाद। आप तो 10 दिन तक तो पुपू जी बताइए तिमले की सब्जी कैसी लगी आपको? बहुत अच्छी मैंने तो फुल बहुत बढ़िया तो फुल कटोरा देखा है मैं तो अच्छे लगे नहीं। कितने साल बाद खा रहे आप? मैंने खाए कई साल बाद हां पहली बार खाए नहीं पहले खाए मैं खाए अच्छा बहुत अच्छे मेरा वो खाए इतना अच्छे लगने की देखने में भी अच्छी लग रही है और खाने में बहुत अच्छी हो रही है बहुत अच्छी कहते हैं दिया हम टेस्ट की गांव का लोगों तो यही सोचना चाहे हम ला डाउन तो बेस्ट नहीं वाला दिगर बनाए बहुत साल पहले ये डर खाए ना सुंदर हुए ना मैंने खाए छोड़ दाल बनाए वो खा पहले जो नहीं मैं दिमाग आते